वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो भी है डिशवॉशर कैटेगरी से रिलेटेड, जिसमें मैं बात करूंगा कैफ डिशवॉशर के बारे में। कैसा ये डिशवॉशर है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। तो फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी से मॉडल देखने को मिलता है 12 प्लेस सेटिंग के साथ। 12 प्लेस का मतलब है कि जो 12 लोग मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल वो यूज़ कर रहे हैं, डिशवॉशर के अंदर आप उन सब बर्तनों को एक बारी में वॉश कर सकते हैं। मॉडल नंबर की बात करूं, DW वेट्रा DX60 का मॉडल नंबर है। और इसके डिशवॉशर की फिनिश की बात करूं तो स्टेनलेस स्टील फिनिश के अंदर ये मॉडल आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी स्मार्ट लगता है डिशवॉशर देखने में। डिशवॉशर के नेट वेट की बात करूं तो 44.5 kg का इसका टोटल वेट देखने को मिल जाता है। इसका MRP की बात करूं तो 49,990 का इसका MRP है। और इसका बेस्ट प्राइसिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप Amazon का लिंक चेक कर सकते हो, वहां से भी आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। दैन बात करते हैं डिशवॉशर के इंटीरियर की। टोटल दो बास्केट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बॉटम बास्केट आपका हैवीली सॉइल डिशेज, लाइक जो आपके बड़े बर्तन होते हैं वो आप बॉटम वाली बास्केट में प्लेस कर सकते हैं। अपर बास्केट आपको मिलेगी आपके स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए। सेपरेट कटलरी बॉक्स मिल जाएगा जिसमें सारा कटलरी आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। अपर वाली बास्केट का हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें पुश एंड पुल मैकेनिज्म तो देखने को नहीं मिलता है, बट पूरा ट्रे आप बाहर निकाल के सेकंड वाले चैनल पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। दो स्प्रे आर्म्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन आपके जो बॉटम वाले रैक्स की बात करूं तो बॉटम वाले रैक्स भी आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं, ताकि जो बड़ा डायमीटर का यूटेंसिल आपका हो वो इजीली इसमें आ जाए। देन बात कर लेते हैं इनके वॉशिंग प्रोग्राम्स की। तो टोटल 6 वॉशिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला प्रोग्राम मिलेगा आपको इंटेंसिव वॉश का। ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया आपके हैवीली सॉइल डिशेज लाइक कुकर, कढ़ाई, पतीले, भगोने, जो बड़ा और ज़्यादा गंदा बर्तन होता है, इस प्रोग्राम की हेल्प से आप उसे कम्प्लीटली वॉश कर सकते हैं। और इस वाले प्रोग्राम में आपको वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सेकेंड प्रोग्राम आपको मिलता है नॉर्मल वॉश का। ये मिक्स लोड प्रोग्राम है जिसमें अपना बड़ा यूटेंसिल, छोटा यूटेंसिल्स को आप एक साथ रख के आप इसमें वॉशिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। थर्ड प्रोग्राम आपको मिलता है इको वॉश का। ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है। अगर आपके पास समय है बर्तन धोने का और आप चाहते हैं कि आपका डिशवॉशर पावर कम कंज्यूम करे, इस वाले वॉश प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग आपका थोड़ा बढ़ जाता है, बट वहाँ पर डिशवॉशर जो है एनर्जी सेव करता है। फोर्थ आपको मिलता है 90 मिनट्स वॉश। ये आपका रैपिड प्रोग्राम है जिसमें 90 मिनट्स के अंदर अपना सारा यूटेंसिल्स आप इजीली वॉश कर सकते हैं। फिफ्थ आपको मिलेगा ग्लास यूटेंसिल्स वॉश। ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके एक्सपेंसिव क्रॉकरी एंड वाइन ग्लासेस के लिए, तो इस प्रोग्राम की हेल्प से उनको डैमेज होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है और प्रॉपर तरीके से वॉशिंग आपको इस प्रोग्राम में उनमें मिल जाती है। देन सिक्स आपको मिलता है रैपिड वॉश। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में बर्तन है और कम गंदे बर्तन हैं, तो इस वाले प्रोग्राम की हेल्प से आप उनको सारा वॉश कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले इंडिकेटर्स की। तो सॉल्ट रिफिल इंडिकेटर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जब सॉल्ट आपको रिफिल करना होगा तो मशीन आपको इंडिकेट करेगी। रिनसेट रिफिल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, तो रिनसेट भी आप उसमें रिफिल करने के लिए मशीन आपको बोलेगा। वाटर सप्लाई इंडिकेटर, अगर पानी से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो अगर पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा होगा डिशवॉशर में, तो मशीन आपको वहाँ पर भी इंडिकेट करती है।
डिले फंक्शन का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का आप डिले टाइमिंग सेट कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, इसके कंट्रोल पैनल को आप लॉक कर सकते हैं ताकि कोई बच्चा उसको डिस्टर्ब ना कर सके। देन हम बात करते हैं इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो ऑटोमेटिक रिंस एड एंड ऑटोमेटिक डिटर्जेंट डिस्पेंसर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अपना वॉशिंग के लिए पाउडर एंड लिक्विड जो शाइन एंड ड्राई के काम आता है वो उसमें आप इजीली रख सकते हैं। 3-स्टेज फिल्ट्रेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो जो भी इतना भी आपका बड़ा फूड पार्टिकल होगा वो प्रॉपर तरीके से उसमें फिल्टर हो जाता है ताकि आप उसको निकाल के रिमूव कर सकें। सॉल्ट कंटेनर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा विद वाटर सॉफ्टनर के साथ, तो हार्ड वाटर वॉश में भी ये मशीन अच्छे से काम करती है। देन लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डायमेंशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको हाइट मिलेगा 845 mm का, विड्थ 598 mm का एंड डेप्थ इसका 600 mm का आपको देखने को मिल जाता है। कैफ के इस डिशवाशर की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो A+ रेटिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इसके अंदर जो आपका पावर कंजम्पशन है वो 290 kWh/nm का इसके अंदर पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा। नॉइस लेवल की बात करें, 55 डेसिबल नॉइस लेवल इस मशीन का आपको देखने को मिल जाता है। 3080 L/nm का आपका इसका वाटर कंजम्पशन है। मेमोरी फंक्शन का फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है, लाइक अगर प्रोग्राम के बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आता है तो आपका प्रोग्राम वहीं से रिज्यूम हो जाता है। हाफ लोड का वॉश ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपके पास कम क्वांटिटी में बर्तन है और कम गंदे बर्तन है और आप चाहते हैं कि आपका डिशवाशर अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क ना करे, आप हाफ लोड वॉश ऑप्शन को किसी भी प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हो। इसके एड ऑन करते ही आपका डिशवाशर टाइम, एनर्जी एंड वाटर तीनों चीज़ें सेव करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इन फ्यूचर ऐसे और वीडियो लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए गुड लक।